खुला है। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अब कुछ जरूरी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन आप एक काम कीजिए, पहले मेरा सामान जरा कहीं रखवा दीजिए। कमरे का डेकोर तो अच्छा है, लेकिन कलर स्कीम मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है। बाथरूम ठीक है, मगर कुछ चेंजेस वहां भी करने पड़ेंगे। बस यूं समझ लीजिए मैनेजर साहब, आपको मेरे लिए कमरे की इस सुइट की कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा, समझ गए ना? मैम, ऐसा तो नहीं हो सकता। व्हाट यू मीन नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैनेजर साहब, आप मेरी एक बार कान खोलकर सुन लें। मैं यहाँ पर एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए ठहरने आई हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ की एनवायरनमेंट मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, समझे? मैं ठीक कह रही हूँ ना शाह? ठीक है मैम, जैसा आप कहेंगी वैसा हो जाएगा, लेकिन पहले हम मेंबरशिप चार्जेस और रूम चार्जेस की बात कर लें। ऑफ कोर्स शाह, इनकी सुई सुबह से मेंबरशिप पर अटकी हुई है। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। ओके ओके, चलें चलते हैं। गहरी सुने मैनेजर साहब, 20 लाख रुपए फीस, 5 लाख रुपए पर मंथ पर रूम पर बोर्ड, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? नहीं शाहब साहब, मैं आपसे कतन मजाक नहीं कर रहा, ये हमारे स्टैंडर्ड रेट्स हैं। आप हमारे मेंबर हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए। देखिए मैनेजर साहब, देखिए मेरे पास तो सप्लीमेंट्री मेंबरशिप है, और वो भी मेरे बस की मेहरबानी की वजह से, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस क्लब का मेंबर बनने से पहले आपको अपनी खाल उतरवाना पड़ती है। सर आप मजाक कर रहे हैं। हमारा क्लब इस शहर के उन लोगों के लिए है जिनके लिए ये रकम कोई मायने नहीं रखती, और फिर जो फैसिलिटीज हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं पूरे शहर में और कोई नहीं करता। ठीक है, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, मुझे पता है कि ये एक एक्सक्लूसिव क्लब है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप भी तो कुछ मुनासिब करें ना। 20 लाख मेंबरशिप और 5 लाख पर रूम पर मंथ, इट्स रिडिक्यूलस। सॉरी सर, इस मामले में मैं आगे जवाब दे हूँ, मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता, और जिस किस्म की ये खातून हैं और जो कुछ करना चाहती हैं इसके लिए तो सर एक्स्ट्रा चार्ज होने चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ आपकी पोजीशन, आप शैरन की फिक्र ना करें, अभी वो थोड़ी सी अपसेट है, कल वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, शी इज़ अ लवली गर्ल। बस आप मुझे अब ऐसा एक रास्ता दिखाएं कि इतना ज़्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि मैं भी अपने बॉस को जवाब दे हूँ, प्लीज़। कहाँ की लवली, चलती फिरती मुसीबत हमारे गले पड़े। फिलहाल मैं मैडम को आपकी गेस्ट के तौर पर रख लेता हूँ, आप एक दो दिन में बॉस से मशवरा करके मुझे बता दीजिएगा, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको 2 वीक्स की पेमेंट एडवांस करनी होगी, और मेंबर्स के गेस्ट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा 33% चार्ज करते हैं, यू नो दैट। ओके ओके, डन डील, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, मैं 2 दिन में बॉस से मशवरा करके आपको बता दूंगा, ठीक है जी? थैंक यू सो मच, यू आर अ लाइफ सेवर। आप एडवांस पेमेंट के लिए मेरी मेंबरशिप कार्ड को चार्ज कर लें, मैं जाते हुए रसीद आपसे ले लूंगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नो प्रॉब्लम सर, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, इतनी फेवर तो। क्या हुआ, एवरीथिंग ओके शाहब साहब? जी एवरीथिंग इज ओके फॉर द मोमेंट, लेकिन फिलहाल आप यहां पे मेरी मेहमान हैं। तो इसका मतलब ये कि आपने मेरे लिए मेंबरशिप नहीं खरीदी। जाओ शाह, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। शैरन,
मैं जरूर तुम्हें मेंबरशिप दिलवाऊंगा, ट्रस्ट मी, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा वादा है, बिलीव मी, आई बिलीव यू शाह। तो चले, चलो। बोलियो बचपन की। हेलो 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 जी बॉस जी, हेलो जी सर, जी 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 जी, मैं शहाब बोल रहा हूँ, आपने पहचाना ना सर, आपने पहचान तो लिया ना जी जी। मुझे मालूम है कि तुम कौन बोल रहे हो, बोलो क्यों तंग कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरे सोने का टाइम है? आई एम सो सॉरी सर, असल में मैंने एक मशवरा लेना था आपसे इमरजेंसी में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको शाम में फोन कर लूंगा, नो प्रॉब्लम सर, इट्स ओके। ओए कुत्ते, अगर तुम मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर ही चुके हो तो बोलो क्या पूछना है मेरे से। थैंक यू सर, आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। तुम्हारा ख्याल उस नए एंकर से हटेगा तो फिर तुम्हें किसी और का ख्याल आएगा। सर इसी सिलसिले में मैंने आपको फोन किया था ना। तुम इस वक्त इस लड़की के बारे में बताने के लिए फोन कर रहे हो, कल कहां थे जब मैं तुम्हें मुस्तकिल फोन कर रहा था? सर वो मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, आई एम सो सॉरी, ये पहली बार और आखिरी बार हुआ है, आइंदा ये नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, बिलीव मी। ठीक है ठीक है। लेकिन सर वो आपको कैसे पता था कि मैंने शरण के बारे में आपको फोन किया था? फिर शरण तुम चरिए होगी उस लड़की के पीछे, शहाब तुम इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगे। अब क्या हो गया उसको, भगो जल्दी। शरण, हाँ तो तुम ये चाहते हो कि मैं इस मुसीबत की मारी शरण को इस शहर के सबसे महंगे क्लब की मेंबरशिप दिलवाऊं, जो कि 20 लाख रुपया है, और फिर हर महीने 5 लाख रुपए उस जगह का किराया। जी सर आप बिल्कुल सही समझे। शहाब, you are mad and you are fired.